दोस्तों, आज बड़े दुखद समाचार के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हरिंद्रा नंद का निधन हो गया। शिव शिष्य परिवार के संस्थापक श्री साहब हरिंद्रा नंद का निधन हो गया। रांची के पारस अस्पताल में उन्होंने देर रात 3 बजे अंतिम सांस ली। दुर्बा स्थित उनके आवास पर आज शाम 5 बजे तक आम लोगों के दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। उनके निधन से उनके समर्थकों में शोक की लहर है। बता दें कि शिव शिष्य परिवार के संस्थापक साहब श्री हरिंद्रा नंद को दिल का दौरा पड़ने के बाद गंभीर स्थिति में रांची के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही थी। डॉक्टर ने उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें ICU में रखा। इलाज के दौरान शनिवार देर रात 3 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें कि बाबा हरिंद्रानंद की बीमार पड़ने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में देश भर से अनुयायी पारस अस्पताल पहुंचने लगे थे। हर कोई उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेना चाह रहा था। जानकारी के मुताबिक बुधवार की रात उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई थी और सीने में तेज दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद गुरुवार सुबह उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी की बात कही थी। डॉक्टरों का कहना था कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी का कार्डियक एंजाइम बढ़ा हुआ है और इसी कारण उन्हें सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हुई। बता दें कि शिव शिष्य परिवार लोगों को आध्यात्मिक आंदोलन से जोड़ता है। पूरे देश में शिव शिष्य परिवार के लाखों अनुयायी हैं। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में इनकी मंडली चलती है। बता दें, हरिंद्रा नंद बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थी। वो झारखंड सरकार में संयुक्त सचिव के पद से रिटायर हुए थे। उन्होंने शिव आज भी गुरु है का आह्वान किया। लाखों लोग उनके इस आध्यात्मिक आंदोलन से जुड़ते चले गए। दोस्तों, आपसे विनम्र में निवेदन करती हूँ कि हरिंद्रानंद भैया जी के श्रद्धांजलि के लिए अपने घरों में कम से कम 5 मिनट तक हरा भोला के नाम से जाप करें, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। जय महादेव।